हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने जो कल रीड किया है उसके बेस पर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। हम कोई और नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। कल जो हमने किया था एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी किया था, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो कौन कौन से। फर्स्ट पॉइंट है, विद ईच इवेंट ई इज एसोसिएटेड अ रियल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट एंड इज डिनोटेड बाय पीई। अभी बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इवेंट ई है, ठीक है, उसमें वो जो एसोसिएट करेगी ना, वो जीरो से वन के बीच बीच में करेगी। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो हमेशा जीरो से वन के बीच में ही रहेगा, इससे बड़ा या से छोटा आंसर कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जब भी आएगा तो वो जीरो और वन के बीच बीच में ही आएगा। कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय पीई। हम इसको डिनोट करते हैं पीई से। और देखो यहाँ पर हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि पीई की वैल्यू जीरो से बड़ी या उसके बराबर भी हो सकती है, वन से छोटी या उसके बराबर भी हो सकती है। तो यही हमारी सिर्फ एक रेंज है कि मेरी वैल्यू जो है जीरो से वन के बीच बीच में ही रहने वाली है। हम सेकंड पॉइंट है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सिंपल इवेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सैम्पल स्पेस इज वन। अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि मेरे पास एक सेट होता है, ये कल हमने पढ़ा था, सैम्पल स्पेस में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल एलिमेंट्स, ठीक है। और उन सैम्पल एलिमेंट्स या सैम्पल इवेंट्स बोल दो, उनकी प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम करेंगे तो उसका आंसर हमेशा वन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कॉइन का एग्जांपल हूँ, तो कॉइन में हेड या टेल आता है, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, वन बाय टू, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, वो भी वन बाय टू रहती है। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो आंसर वन आएगा, मतलब कि जितनी भी इवेंट थी हमने उन सबका सम कर दिया और आंसर मेरे पास वन आया। सिमिलरली मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम डाई का एग्जांपल लेते हैं। अब डाई में क्या क्या आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सब कुछ आ सकता है इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन अपॉन सिक्स, मतलब टोटल तो हमारे पास ऑप्शंस हैं छः, उसमें से वन आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब वन है। अब ये मत सोचना कि मैं वन के हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, हमें नंबर गिनना है कि वन कितनी बार है। तो वन वन बार ही है, तो यहाँ पर वन अपॉन सिक्स आ गया। टू कितनी बार है, वो भी एक बार है, कितने में से, छः में से। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी वन बाय सिक्स है। फोर आने की भी वन बाय सिक्स है, फाइव आने की भी वन बाय सिक्स है, और सिक्स आने की भी वन बाय सिक्स है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे ना तो मेरे पास आंसर वन आएगा। तो यहाँ से आप ये समझ लो कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी मेरे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने निकाली और उन प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने प्लस कर दिया, तो आंसर मेरा हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये आंसर मेरे पास वन ही आएगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये चीज़ लिखी हुई है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड इवेंट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सिंपल इवेंट कंप्राइजिंग द कंपाउंड इवेंट। मतलब कि कंपाउंड इवेंट हमने पढ़ा था कि ये छोटे छोटे सिंपल इवेंट्स को मिला के कंपाउंड इवेंट बनती है। अब छोटे छोटे सिंपल इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटीज निकालें तो उनका सम मिला के हमारे पास कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। मतलब कि कंपाउंड प्रोबेबिलिटी मान लो E1 E2 से मिलकर बनी है, ये कोई इवेंट E1 है, ठीक है, और कोई इवेंट E2 है, कोई इवेंट इसमें E3 है। तो ऐसे करते करते इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास एक कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसमें ये चीज़ थी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं, इन्होंने कुछ एक चीज़ बता रखी है, इफ़ देर आर एन इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में एन इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली एक टर्म है, ये शायद मैंने आपको कल नहीं बताई है। इक्वली लाइकली टर्म क्या होती है कि जैसे मान लो हम कोई कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय टू, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाय टू। तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, जिनके आने के बराबर चांस रहते हैं, बराबर चांस रहेंगे कि कोई भी आ सकता है, कोई बायस कॉइन नहीं है, ठीक है, तो वो होते हैं। देन सैम्पल स्पेस एस कंटेन्स एन सैम्पल पॉइंट्स। अगर उसमें एन पॉसिबली इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब कि हम कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, कॉइन में कितनी लाइकली आइटम्स हैं, आउटकम्स हैं, सिर्फ टू है, हेड या टेल, तो हमारा सैम्पल स्पेस किससे मिलकर बना होगा, उन्हीं एन से मिलकर बना होगा, मतलब मेरे सैम्पल स्पेस में हेड और टेल ही आएगा। तो मैंने बोला इसमें एन सैम्पल पॉइंट्स एंड प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच सैम्पल पॉइंट इज वन बाय एन। अब देखो इसमें सैम्पल स्पेस में मैंने लिखा कि हेड और टेल, ठीक है, हेड एंड टेल। अब हेड और टेल आ गया, इसमें एन सैम्पल पॉइंट्स बोले गए तो मेरे पास कितने सैम्पल पॉइंट है, टू है। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मुला बताया कि ईच सैम्पल स्पेस की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वन बाय एन आएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू मेरे पास टू है तो वन बाय टू आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरे पास एन आइटम्स हैं, अभी तो हमने हेड और टेल लिया, अगर मान लो मेरे पास एन आइटम्स हैं तो एन आएगा, और एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वन बाय एन, ठीक है, वन अपॉन एन ऐसे आएगी, वन बाय एन। और सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसकी भी वन बाय एन आएगी, थर्ड की भी वन बाय एन आएगी, फोर्थ की भी वन बाय एन, फिफ्थ की भी वन बाय एन, तो ऐसे करते करते सभी की ही वन बाय एन आएगी। तो इन्होंने बोला कि मान लो ऐसे ऐसे एम सैम्पल पॉइंट्स हैं, कि मान लो हमारे पास ऐसे ऐसे एम सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी कि उस वन बाय एन को मैं एम टाइम्स प्लस कर दूँ। जब वो वन बाय एन एम टाइम्स प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा, एम अपॉन एन, क्योंकि देखो ये जब प्लस होगा ना तो नीचे वाला एन तो हमारे पास एलसीएम की तरह नीचे आ जाएगा, तो ये एलसीएम की तरह नीचे आ गया, और ऊपर वाला एम प्लस होगा एम टाइम्स, ठीक है, तो एम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या जाएगी, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ही नहीं कि ई इवेंट में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं और एस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे आर्टिकल सिक्स है, आर्टिकल सिक्स में लिखा हुआ है कि फॉर एवरी इवेंट ई एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट पी नॉट ई इज इक्वल टू वन माइनस पी। प्रोबेबिलिटी का ना होना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ना होना किसके बराबर होता है कि वन माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी का होना। सिंपल सी बात है वाली कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, मान लो मैंने इसको ई बार से शो कर दिया कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो वन ही होगी, पता है कि हमें सबको मिला के वन ही आंसर आने वाला है। तो मैं उस वन में से प्रोबेबिलिटी होने वाली जो ई होगा, ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी हो रही है, ठीक है, मैंने वन में से प्रोबेबिलिटी का होना माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का ना होना, ठीक है। समझ लो हमारे पास कोई बैग, कोई लॉट है मेरे पास, उस लॉट में काफ़ी सारी आइटम्स रखी हुई हैं, ठीक है, मान लो सिर्फ दो आइटम्स रखी हुई हैं, उसमें एक आइटम है कि प्रोबेबिलिटी का होना और दूसरी आइटम है प्रोबेबिलिटी का ना होना। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी का होना निकालना है तो उस वन पूरे लॉट को मैंने वन बोला हुआ है, ठीक है, मान लो ये लॉट है मेरे पास, इसमें दो चीज़ें पड़ी हैं कि प्रोबेबिलिटी का होना और एक होता है प्रोबेबिलिटी का ना होना, मतलब कोई इवेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये होने वाली प्रोबेबिलिटी है, ना होने वाली प्रोबेबिलिटी है। और टोटल बॉक्स को जो लॉट मैंने लिया इसको मैंने वन माना हुआ है,
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का होना कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने पी ई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस वन में से इसको बाहर निकाल देंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला। अब अगर मुझे नॉट ई की वैल्यू निकालनी है, इस नॉट ई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस वन में से इस पी ई की वैल्यू पी ई को बाहर निकाल देंगे, तो पी ई बाहर चला जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी नॉट ई का। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हमें यह समझ आती है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ई मिले और नॉट ई दोनों ही मिल जाए, तो उसका आंसर हमेशा बन आएगा प्लस करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑड्स इन फेवर का मतलब है कि जो भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो हमारे फेवर में है। ठीक है, जो भी हम इवेंट निकाल रहे हैं कि वो इवेंट हो रही है, हैपनिंग हो रही है, तो इसलिए हमारे फेवर में है। और अगेंस्ट में क्या होता है कि इवेंट जो हम मान रहे हैं, जो हमने इवेंट सोची है वो नहीं हुई है। ठीक है, तो उसमें ऑड्स अगेंस्ट हो गए हमारे। तो इसमें रेशो सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सी रेशो याद रखनी है कि अगर आप पी ई को पहले रखो, रेशो पी नॉट ई रखो, तो ऑड्स हमारे फेवर में आ गए, मतलब कि पी ई हो रहा है, पी नॉट ई नहीं हो रहा है। तो होने वाले को अगर हम पहले रखेंगे तो मतलब ऑड्स मेरे फेवर में है। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, ऑड्स हमारे अगेंस्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, रेशो प्रोबेबिलिटी हो रही है। तो सिंपल सी बात रखनी है, ऑड्स इन फेवर मतलब कि मेरे फेवर में है प्रोबेबिलिटी, तो मैं होने वाले को पहले रखूंगा और नहीं होने वाले को बाद में रखूंगा। अगर ऑड्स अगेंस्ट में मेरे, ठीक है, अगेंस्ट में है, तो मतलब नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी, तो हम नहीं होने वाला पहले रखेंगे रेशो में और होने वाला बाद में रखेंगे। तो सिंपल सी भाषा है, इसमें इसको पढ़ लेना। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पहले पढ़ लिए हैं, तो इसको आप वहाँ उस वीडियो से पढ़ लेना, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को। सेम टॉपिक है बिल्कुल, फॉर्मुलाज है और कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सेम है, आपको वहीं से पढ़ने हैं। ये कॉम्बिनेशन में आप कुछ इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट्स याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, काम आएंगे आपको, शॉर्टकट की तरह काम आएगी। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। एन फैक्टोरियल आपको सिंपली बताया कि सबसे पहले एन लेना है, फिर एक एक करके लेस करते जाना, फिर लास्ट में एक वन आ जाएगा। ठीक है, वन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो लास्ट में जाते जाते हम एन के पास पहुंचने वाले होंगे, तो एक भी रह जाएगा, उसके बाद जीरो भी आने वाला होगा, लेकिन जीरो तक हम जाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो जीरो फैक्टोरियल, देखो इसमें जीरो तक क्यों नहीं जाते, क्योंकि वन के बाद आता है जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल होता है वन के बराबर, तो इसलिए हम इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है। ठीक है, परम्यूटेशन का ये वाला आंसर है। एनपीआर का आंसर देख लो, एनसीआर को कैसे सॉल्व करना है, एनसीआर का एक और फॉर्मूला, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एनसीआर का फॉर्मूला, ये मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए हुए हैं, ये सभी फॉर्मूले हमने पहले किए हुए हैं, तो वहाँ से इसको समझ लेना। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन कमिंग अप हेड्स। अब कॉइन को टॉस किया गया एक बार, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हेड या टेल ही होंगे। तो मेरे पास देखो सैंपल स्पेस मैंने बना दिया हेड और टेल। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, या तो एच आ सकता है या टी आ सकता है, दो पॉसिबल आउटकम्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन कमिंग अप हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं ये निकालो कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ फेवरेबली, मेरे फेवर में क्या आना चाहिए, मेरे फेवर में हेड आना चाहिए। तो कितनी बार आ सकता है, वो एक ही बार आ सकता है, क्योंकि कॉइन को तो हमने एक ही बार टॉस किया। जब एक बार आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो अभी मैं सिंपल वाली कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन्स, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। देखो साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ टू कॉइन्स, हमने साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ हमने दो कॉइन्स को टॉस किया है, तो सबसे पहले तो कहते हैं ये बताओ कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है टू हेड्स की। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली वन हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्जैक्टली वन हेड की। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे हम, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होने चाहिए सबसे पहले, ये चीज़ है। तो दो कॉइन्स टॉस करें, क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये तो ये वाले चारों आ सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, चार हो गए। और दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो हेड्स में आप चेक कर लो कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब दो हेड्स में कितनी बार आ सकता है, सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी में क्या लिखना होता है, फेवरेबल आउटकम्स की मेरे फेवर में जो पूछा गया है वो मेरे फेवर में आ कितने रहे हैं एलिमेंट्स, नीचे आएंगे टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दो हेड मांगे गए हैं, तो दो हेड तो सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आ रहे हैं मतलब कि वन आएगा, फेवरेबल आउटकम वन है, और टोटल आउटकम्स है चार, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली वन हेड की, एक्जैक्टली एक ही हेड आए, एक्जैक्टली वन हेड पूछा गया। तो इसमें बोल रहे हैं एक्जैक्टली वन हेड मीन्स कि एक हेड और एक टेल। ठीक है, आप टेल को अगर छोड़ दो तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे पास सिर्फ एक हेड आना चाहिए, एक्जैक्टली वन हेड आना चाहिए। तो उसका मतलब कि टेल तो एक ही होगा, मेरे पास देखो दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, जब हम दो कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो मुझे एक्जैक्टली एक हेड चाहिए, तो वो हेड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने माना कि इसका मतलब यहाँ पर टेल आता होगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर टेल आ रहा होगा, यहाँ पर हेड आ रहा होगा, यही केसेस हो सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्जैक्टली वन हेड मीन्स कि वन हेड और वन टेल आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितने आउटकम्स हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास दो आउटकम्स हैं, तो ये वाला एक, ये वाला है और एक ये वाला है, तो दो आउटकम्स हो गए, प्रोबेबिलिटी बन गई 2/4, आंसर आ गया 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तीन कॉइन्स को एक ही बार टॉस किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड एंड टेल अपीयर अल्टरनेटिवली। ठीक है, हमसे ये बोला गया कि हेड और टेल जो अपीयर कर रहे हैं अल्टरनेटली भी कर रहे हैं, मतलब कि एक हेड फिर टेल फिर एक हेड, ये होते हैं अल्टरनेट की, एक के बाद एक को छोड़ के फिर आएगा। अब उसके बाद सेकंड में क्या, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। अभी एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले को बहुत ध्यान से करना होता है। एटलीस्ट में क्या है कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। तो एटलीस्ट में कम से कम एक आना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक या जो जितने भी तुम्हें दिए गए उस हिसाब से होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल कैन अकर, कहते हैं कि कम से कम एक हेड और एक टेल तो आना ही चाहिए, कम से कम चाहिए ना उनको, मतलब ज़्यादा ज़्यादा दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तीन कॉइन टॉस किए गए तो मुझे एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड और टेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और थर्ड में कुछ भी चल सकता है, चाहे वो टेल आ जाए चाहे वो हेड आ जाए। तो इसकी बात का मतलब समझो कि एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, उससे ज़्यादा जितने मर्जी तुम इसमें डालो। और एटमोस्ट में उसमें इसका ऑपोजिट है, एटमोस्ट में ये बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें,
मान लो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड आए, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, कम से कम आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हेड आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब बहुत ध्यान से याद रखना। अब इसमें देखो हमारे पास ये दो पॉइंट्स, ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि थ्री कॉइन्स टॉस करेंगे, तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस मेरे पास ये बना हुआ है तीन कॉइन्स के हिसाब से, मैंने आपको कल बताया था। टोटल आउटकम इसमें 8 होती है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन में कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट में क्या बोला गया था, फर्स्ट में हमसे क्या बोला गया था, हेड एंड टेल अपीयर अल्टरनेटिवली, कि हेड और टेल जो अपीयर कर रहे हैं अल्टरनेटिवली करने चाहिए। अब इसमें देखो हेड आ रहा है, टेल आ रहा है और हेड आ रहा है, तो ये अल्टरनेटिवली है, मतलब लगातार नहीं है, एक को छोड़ के फिर आए हैं। सिमिलरली THT होता है, इससे ज़्यादा और कोई केस नहीं आएंगे इसके अंदर। तो हमने ये सब कुछ जो निकाला ना सैम्पल स्पेस से निकाला, जो मैंने ऊपर सैम्पल स्पेस बनाया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दो गए हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, 2/8, तो आंसर आ गया 1/4। सेकंड में हमसे क्या बोला गया था कि एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल अपीयर, कि एटलीस्ट एक हेड और एक टेल तो आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि उनको एक हेड और एक हेड और एक टेल एटलीस्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने मर्जी रख सकते हैं। तो इसमें देखो एक हेड और एक हेड और एक टेल आ गया, तो इन्होंने यहाँ पर हेड रखो टेल रखो जो मर्जी रखो, ठीक है। एक हेड और एक टेल मिल गया, तो इन्होंने यहाँ पर भी हेड रख दिया। एक हेड और एक टेल मिल गया, यहाँ पर भी हेड रख दिया। एक हेड और एक टेल मिल गया, सेम वही चीज़ टी के साथ रिपीट करेंगे, तो तीन इसके टोटल हमारे पास हो गया 6। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/8, आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, तो ये है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, हमने 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं पैक ऑफ कार्ड्स में से। अब कार्ड्स के बारे में आपको बताया होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, 4 सेट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं याद मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूँ। तो ये आप याद रखना कि 52 कार्ड्स होते हैं 4 सेट के, ठीक है। 4 सेट्स होते हैं और हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो अगर 13 करते हुए अगर हमने 4 सेट रखे हुए हैं, 13 को प्लस करोगे तो ये 52 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होंगे। अब इसमें देखो 4 कार्ड्स हमारे पास, पैक ऑफ कार्ड्स कितने का होता है, 52 कार्ड्स का पैक होता है। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी डायमंड्स हैं। सेकंड क्या है, देर इज़ 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। थर्ड है, देर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स। तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। अब बोला ये गया कि 4 कार्ड ड्रॉ करे गए हैं, 4 कार्ड ड्रॉ करे गए हैं पूरे 52 कार्ड्स में से। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 4 के 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं वो चारों डायमंड्स हैं। अब देखो चारों डायमंड्स हैं, अब यहाँ पर तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि 4 कार्ड निकाले गए हैं। अब डायमंड तो होते हैं 13 हमारे पास होते हैं डायमंड, ठीक है। डायमंड का जो सेट होता है वो 13 कार्ड्स का होता है, ऐसा साइन होता है डायमंड का, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। तो इस ईंट वाले जो कार्ड है हमारे पास, इसके होते हैं 13। अब हमें ये बोला गया है कि डायमंड्स का कार्ड है। अब जो हमने 4 कार्ड निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि वो डायमंड के निकले हैं। अब देखो हमें ये नहीं पता कि इन 13 में से कौन से 4 निकले होंगे, कोई भी 4 निकल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इनमें से और इसके किंग भी होगा, इसका जैक भी होगा, इसकी क्वीन भी होगी, तो हमें इसका नहीं पता कि कौन सा कार्ड वो निकला है, कौन से 4 कार्ड निकाले गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। इनको बहुत ध्यान से समझना कि इसमें हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी से कि कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि इसमें 13 में से कोई भी 4 निकल सकते हैं। हमें सिर्फ ये बोला गया कि 52 कार्ड्स में से हमने 4 कार्ड बाहर निकाले हैं, उन 4 कार्ड्स में से हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो चारों के चारों कार्ड जो है डायमंड के हैं। अब डायमंड के हैं तो हमें तो हमारे पास तो डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, हमें क्या पता कि उन 13 में से कौन से 4 निकल के आए हैं। तो हमें वही चीज़ बतानी है कि कॉम्बिनेशन में हम ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। इसमें ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑल आर डायमंड्स, तो इसमें ऊपर कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे कि मेरे पास डायमंड्स के 13 कार्ड है, उनमें से मैंने 4 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कि 13 कार्ड्स है, उन 13 को मैं 4-4 में बार बार अरेंज करूँ तो कितनी तरह के बन सकते हैं वो, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए, तो वो बनेंगे 11 बनेंगे, कि 11 टाइप से मैं इस 4-4 कार्ड्स को सेट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि देखो इस ईंट के ये जो डायमंड है, डायमंड के होते हैं हमारे पास 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स कौन कौन से होंगे, एक ए का होगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग क्वीन जैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं। देखो कौन से 4 हो सकता है, ये वाले 4 निकाले गए हो सकता है, ये वाले 4 निकाले हो सकता है, ये वाले 4 निकाले हो, ठीक है। तो ऐसे करते करते अब ये वाला जे हो सकता है कि इन तीनों के साथ मिला के इस जे को निकाल लिया हो, ठीक है। इसका 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 और इसका, इन चारों का भी सेट बन सकता है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन निकाला गया, तो हमने यही कॉम्बिनेशन निकाले हैं कि ये 4-4 के इन 13 में से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये बनेंगे 11 कॉम्बिनेशन, ठीक है, 11 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके अंदर। तो वो 11 कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी, हमें अपने प्रोबेबिलिटी में ऊपर लिखे फेवरेबल आउटकम्स, नीचे होते हैं टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि मुझे 13 कार्ड्स में से, उन 13 डायमंड्स के कार्ड में से 4 चाहिए, तो 13C4 आ गया। नीचे आएगा 52C4, मतलब टोटल 52 कार्ड में से मैंने 4 कार्ड बाहर निकाले, तो वो टोटल आ गया 13C4 को हमने सॉल्व किया, 52C4 को सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पार्ट है, देर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हार्ट्स, 2 स्पेड्स और 2 हार्ट्स का निकालना है। अब देखो इसमें 2 स्पेड्स और 2 हार्ट्स कैसे है, प्रोबेबिलिटी 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। 2 स्पेड्स और 2 हार्ट्स के लिए कैसे होगा कि देखो 2 कार्ड स्पेड के होंगे, 2 कार्ड हार्ट के होंगे। अब स्पेड्स का भी 13 कार्ड्स का सेट होता है और हार्ट्स का भी 13 कार्ड्स का सेट होता है। अब स्पेड्स के 2 होंगे, मुझे नहीं पता इन 13 में से कौन से 2 के सेट बनेंगे हमारे पास, ना ही मुझे हार्ट्स में से पता है कि कौन से 2 कार्ड निकल कर आएंगे। तो हमने इसमें भी वैसे ही करना है, और याद रखना है इसे मल्टीप्लाई होता है, कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, कि इसके साथ इसका सेट मिला के कितने कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं। देखो एक कॉम्बिनेशन तो हमने स्पेड्स के अंदर से निकाला कि उन 13 में से 2 के कितने सेट बन सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इन हार्ट्स में से निकाला कि हार्ट्स के 13 में से 2 के कितने सेट बन सकते हैं। फिर वो 2 सेट इसके 2 सेट्स के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसको आंसर मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। तो प्लस नहीं करना है इसमें, ये याद रखना कि मल्टीप्लाई नहीं होगा।
तो इसमें हमने लिखा दो स्पेड्स और दो हार्ट्स के लिए। अब दो स्पेड्स की का जो कॉम्बिनेशन है ये आएगा 13C2 कि 13 में से मैंने दो कार्ड्स निकालने, दो 13 स्पेड्स कार्ड में से, और यहाँ पर लिखा कि 13 हार्ट्स कार्ड में से मुझे दो कार्ड्स निकालने। नीचे आएगा कि टोटल मुझे 52 में से कोई भी चार कार्ड्स निकालने, उन चार में से दो तुम्हारे स्पेड्स के होने चाहिए, दो हार्ट्स के होने चाहिए। तो हमने इनको सॉल्व किया और आंसर आ गया। ऊपर एक सेकंड पार्ट मिस हुआ है। सेकंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी वन कार्ड ऑफ ईच सूट, कि हर सूट का एक एक कार्ड। तो आपको पता चार सूट्स होते हैं, तो 13 में से कोई एक और 13 में से कोई एक, तो इन चारों को हमने मल्टीप्लाई किया, अपॉन में किया टोटल, तो मेरे पास आ गया आंसर इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा इसको रिवाइज करना, लिख के रिवाइज करना ताकि आपको ध्यान रहे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर नहीं करवाया, तो ये आपके +1 +2 में ही क्वेश्चन थे। बाकी हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।